अपनी खातर पर पीछे में बैठियो किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे लिए निकले हैं। और अब जो गुंडे भेज रहे थे, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ विकलांग हूँ, केला खड़ा रहूंगा, कोई मत आना। और अब भेज लो गुंडे, बैठेंगे। अब सरकार की आर पार की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये बेच के खा गए देश को, रेल बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया छोड़ा के, अब जमीन बेचने की तैयारी है, किसान को बेचने की तैयारी है, अस्मिता की बात है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पांव धरने को जगह नहीं मिलने की, कहाँ हो ये तो अभी ये मत सोचियो कि किसान आ नहीं रहे, किसान को देखो कितना किसान चल दिया अपने घर से, और कितना रास्ते में, और कितना यहाँ पहुँच लिया, अभी ये मत सोचियो। अब की बार आर या पार रहेगी, आपका इससे पहले कोई घर नहीं जानेगा। घर वालों को मैं भी फोन कर लो, चाहे मेरे घरों, मैं अपने घर वालों को ये कह के आया हूँ कि अगर आ गया तो कानून वापसी हो गया है, और नहीं आया तो मेरी लाश ही आवेगी, सीधी बात है। कोई बात नहीं, आप मतलब क्या मैसेज आप देना चाहते हैं प्रोफेसर? मैसेज मैं नहीं, आप शांति पूर्वक बोलिए, क्या मैसेज? मैसेज सिर्फ यही है कि ये जो कृषि कानून लाए हैं इन्हें बिल्कुल रद्द करो, इनका कोई वो नहीं है, इन्हें रद्द करो, MSP पर कानून बनाओ, और अगर ये नहीं कर सकते तो भैया मोदी जी इस्तीफा दे दो। बहुत नेता हमारे ऐसे जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से राजनीति भी आती है। आप कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मेरे साथ में 15 बंदे तो लखनऊ के हैं, मेरे स्टाफ के, जो रिजाइन दे के आए, नौकरी त्याग के आए, नौकरी रिजाइन दिया है। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए हमें, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। बोल के उसी भारत माता के कुंडल और जेवर बेच रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छे। इस देश को बर्बाद करने की तैयारी है इन लोगों की, जमीन छीनने की तैयारी है इन लोगों का। फर्दर एजेंडा ये है, मैं गांव चिंदौड़ी जिला मेरठ से आया हूँ, इन लोगों का फर्दर एजेंडा ये है, आने वाले 40-50 साल में लोगों को गांवों में तकाड के उन्हें मजदूर बना दो शहर का, और उनकी जमीनों पर कब्जा करके बिल्डिंग खड़ी करवा दो, बिल्डर होगी। सब रे लाल किला बेच दिया, देश बेच दिया, भेल बेच दी, कॉरपोरेट को बेच दिया पूरा देश, और इनकी देश को, मैं IT प्रोफेशनल हूँ, IT सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे पता है इन्होंने देश बेच दिया, इन बोले भोले किसानों को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया आज अपनी खातर पर पीछे में बैठियो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव चिंदौड़ी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हमारे साथ ट्रैक्टर खड़े हैं यहीं। ट्रैक्टर लेकर क्या है और कितनी संख्या आ रही है? बहुत संख्या है, आन लग रहे लोग, 2000 आदमी और आन लग रहे हैं, सब आ जाएंगे। क्या टिकैत जी जो है उनके भावुक होने की वजह से आप लोग आए हैं देख करके कि आंदोलन कमजोर? हम उनके भावुक होने की वजह से तो आए हैं, देश के किसानों की अस्मिता पे हमला था, जो देश के किसानों की अस्मिता को हमला करने का प्रयास करा, देश का भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास है। कभी मुसलमानों को गद्दार कर साबित कर देते हैं, वही प्लानिंग इनकी सिक्कों की गलकरण की है, होने नहीं देने के, अपनी छाती पे गोली खाएंगे इनकी खातर, हमारे भाई हैं ये, पूरे उत्तर भारत का ताना बाना सोशल स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया इन लोगों ने, गांवों में नफरत पैदा कर। ठीक है, तो क्या लगता है कि आप टिकैत, बहुत सारे जो है संगठन जो है वो डेली उठ के घर चले जा रहे हैं, जगह जगह तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या लगता है कि फाइनली जो टिकैत जी ने कोई घर नहीं जा रहा, फाइनली जो घर गया था 26 जनवरी की खातर आया था, उन्हें उल्टा घर जाना ही था, सब आने लग रहे हैं, और पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत पीछा खड़ा है इसके, ईंट से ईंट बजा कर ढंग। अब सरकार की आर पार की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये बेच के खा गए देश को, भेल बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया छोड़ा के, अब जमीन बेचने की तैयारी है, किसान को बेचने की तैयारी है, अस्मिता की बात है। तो ये कह रहे हैं कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसानों की जमीन बेच रहे हैं।
राजनाथ सिंह के हाथ में कुछ है के? उसके हाथ में क्या है? वो तो बोलने भी नहीं दे रहे उसे, उसे ना कोई भी मान रहा कुछ। उनकी बातों पे भी भरोसा नहीं है। किस बात का भरोसा? बिल वापस क्यों नहीं ले लेते? कर लेंगे भरोसा, बिल वापस ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। अरे हमें हमारे एमएसपी से तले 2100 रुपए का गेहूँ एमएसपी का रेट है, उसे हजार हजार रुपए में खरीद के हमें गरीब करके, हमें गमों में से काट के, शहरों के मजदूर बना के इन गमों की जमीनों पर कब्जे करने के विचार इरादे से आगे बढ़ रही है। 40-50 सालों में यही इनका लॉन्ग टर्म प्लान है, इसी काम को करना चाहते हैं लोग। देखिए इस बात को जो है पीएम मोदी जी बार बार समझा रहे हैं, ये चीज कह रहे हैं कुंडल बेच रहे हैं, नहीं वो जेवर बेच रहे हैं, वो पजेब बेच रहे हैं। सुनिए वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आके समझा रहे, कह रहे हैं कि अगर हम किसी डेयरी से अगर हम दूध लेने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम दूध लेने जा रहे हैं तो कल की उसकी भैंस ले लेंगे, जरूरी नहीं है। अरे भाई जब गमों में जमीन ये ले लेंगे बेईमाना, आदमी को इतना गरीब कर देंगे, गम में कुछ रहने के खाने जो उसकी चमनी जेब में नहीं रहे, उसे अपने बालक पढ़ाने हैं, वो क्या करेगा गम में? वो कैसे रहेगा? वो तो बेचारा घर चला बाहर से बाहर निकल के रिक्शा ही चलावाएगा या कुछ काम करेगा बाहर जाएगा, उसे बालक नहीं पालने अपने। अभी किस तरीके से चलने वाला? ये तीनों कानून बिल्कुल काले कानून है, इन्हें रिपील करना चाहिए, ये बिल्कुल रिपील होने चाहिए। इससे कम पे किसानों को मानना ही नहीं है ना, हम मानेंगे। और एमएसपी पे लिखित गारंटी देनी होगी, कानून बने, उससे फसल जो नीचे खरीदते है उसे उस पर कार्रवाई हो, उसे कानून जेल का प्रावधान लाभ रहेगा। मैं बता दूं आपको, जिस दिन मैंने ये वीडियो देखी थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जॉब कर रहा था, उसी दिन तुरंत रात को रिजाइन दिया है और एक हाथ से विकलांग। और जब ये सीन मैंने देखा, खून इतना खोल गया, तुरंत रिजाइन दे के तुरंत यहाँ पे आया हूँ और अपने स्टाफ के लखनऊ से करीबन 12 बंदे लेकर के आया हूँ, जो जिनका रिजाइन भी दुआया और खुद भी रिजाइन दिया है। ऐसी सरकार के नीचे हमें जॉब नहीं करनी, ना हमें ऐसी जॉब चाहिए जो जिसने हमारे पिता ने जिस खेती में हमें काम करके हमें पढ़ाया लिखाया, आज हमें इसका बिल बनाया कि आज हम बैठ के कुछ कार्य कर सके। और जब वही खेती नहीं रहेगी हमारे पास तो हम किस काम के, कैसी औलाद रहेंगे हम? तो फिलहाल आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, कब आए हैं आप लोग? हम यहाँ पे कल रात में आ गए थे, कल रात में यहाँ पे एंट्री कर दी थी हमने। कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से आए हैं। वहाँ तो महापंचायत भी चल रही थी, महापंचायत हुई थी, महापंचायत होने के बाद में हम सीधे डायरेक्ट यहाँ आए, सीधे दिल्ली के लिए निकले हैं। और अब जो गुंडे भेज रहे थे, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ विकलांग हूँ, केला खड़ा रहूंगा, कोई मत आना। और अब भेज लो गुंडे, अब कहाँ है भाजपा वाले, अब कहाँ है, हैं? अब भेज लो। आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है इस तरीके से? आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। देखो बेटे बात ऐसी है, ये किसानों का सम्मेलन है, किसानों का यूनियन का काम है, ये तभी से ही बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। ये किसानों की जब तक कोई भी इसमें वो नहीं आई, ये तो जब दूसरे गुट के आ रहे गुंडे अतवे इसमें ऊपर दरता रहे। अच्छा ये तीन चीज तो टिका हुआ, एक बार बताऊं मैं आपको, नीचे तो किसान, ऊपर राजा, फिर उससे ऊपर भगवान, अत ये तीन चीज पर सृष्टि चल रही। जब किसान सुखी नहीं होगा फिर राजा उस बात को देखेगा नहीं, फिर कौन परेशान होगा? जब किसान परेशान हो जाएगा फिर राजा को तो होना पड़ेगा।